आज वीर के स्कूल में पिकनिक है तो उसने मुझसे बोला है कि मम्मा कुछ ऐसा पैक करना जिससे कि वो आसानी से खा भी सके और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सके। तो आज मैं उसके लिए बना रही हूँ बच्चों के बहुत ही फेवरेट कैरमल पॉपकॉर्न्स। तो बिल्कुल वैसे ही बनेंगे जैसे थिएटर में खाते हो ना आप, और एकदम क्रिस्पी बहुत ही आसान तरीके से बन जाते हैं। और साथ में मैंने उसके लिए बना रही हूँ फ्रैंकी, बहुत ही यूनिक तरीके से बहुत टेस्टी बनती है, सुबह की जल्दबाजी में झटपट बन जाती है। पॉपकॉर्न बनाने के लिए ना यहाँ पे इस तरह का एक पैकेट आता है जिसके ऊपर लिखा रहता है कि ये इस कॉर्न से ही पॉपकॉर्न बनेगा, और आप इन पॉपकॉर्न को कुकर में, कढ़ाई में या फिर माइक्रोवेव, तीनों चीज़ों में बना सकते हो। साधारण कॉर्न से ना पॉपकॉर्न सही नहीं बनते हैं, तो आज हम पॉपकॉर्न्स ना कढ़ाई में बनाने वाले हैं। आप चाहो तो कुकर भी ले सकते हो, और हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा तेल। जैसे ही तेल हल्का सा गर्म होगा हम इसमें ये बटर डाल देंगे, और इसमें हम डाल देंगे आधा कप कॉर्न्स। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ना कि पॉपकॉर्न वाले कॉर्न ही डालें, नहीं तो आपके पॉपकॉर्न ठीक नहीं बनेंगे। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक, मतलब मैं 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम ना फुल पे होनी चाहिए। जब आप देखें कॉर्न इस तरह से पॉप होने शुरू हो गए हैं, आप इसको कवर कर दें और फटाफट ये एकदम पॉप हो जाएंगे। तो ये देखिए हमारे ये पॉपकॉर्न जो हैं वो बहुत अच्छे से पॉप हो गए हैं। मैंने गैस को ऑफ कर दिया है। हमारी कढ़ाई इतनी गर्म है ना कि जो थोड़े से बचे हुए नीचे के पॉपकॉर्न है ना वो अपने आप ही पॉप होते रहेंगे। तो ये देखिए हमारे सारे कॉर्न जो है बहुत अच्छे से पॉप हो गए हैं, और बस हम क्या करेंगे इनको एक बार इस तरह से हिला देंगे और थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, फिर हम इनको कैरमलाइज करेंगे। और आइए तब तक फ्रैंकी की तैयारी करते हैं। फ्रैंकी बनाने के लिए यहाँ मैंने आधा कप बेसन लिया है, इसमें मैं डाल दूंगी थोड़े से चिली फ्लेक्स। तो ये ना मैंने घर पे ही बनाए थे, बिल्कुल स्पाइसी नहीं है, क्योंकि पीसते समय ना मैंने इनके बीज निकाल दिए थे। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर, 1 चुटकी के करीब हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक, साथ में डालेंगे थोड़ा सा अमचूर पाउडर, इसमें डाल देंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया, और हम इसमें एकदम थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक थिक पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो ध्यान रखिएगा ना, इसको एकदम पतला मत कीजिएगा, इसको ऐसा ही थिक रखना है हमें। और अब हम इसमें डालेंगे कुछ सब्जियाँ। तो आज मैं सिर्फ प्याज और टमाटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह थोड़ी जल्दी रहती है तो बाकी सामान चॉप करने में भी काफ़ी टाइम लगता है। पर आप चाहो तो इसमें शिमला मिर्च, बारीक कटा गाजर, मशरूम, या आपके बच्चे जो भी सब्ज़ी खाते हो ना इसमें डाल सकते हो। बस एकदम बारीक बारीक करके डालना है इस तरह से, और बस हम इनको बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो अगर आपके बच्चे ना सब्ज़ियाँ नहीं खाना पसंद करते तो आप उनको ना इसमें सब्ज़ी मिला के खिलाएंगे ना, तो उनको पता भी नहीं चलेगा वो कितनी सब्ज़ी खा चुके हैं। तो हम इसको अलग रखेंगे। और यहाँ पर ना मैंने आटा गूँथ के रखा हुआ था, मतलब नॉर्मल गेहूँ के आटे में हल्का सा नमक डाल के उसको गूंथ लिया था। और अब हम इसका एक पराठा तैयार करेंगे। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा बेल लूँगी। तो आज हम ना एक स्क्वायर पराठा तैयार करने वाले हैं। उससे क्या होगा ना कि वो बहुत अच्छे से फोल्ड हो जाता है, और खाते समय ना बच्चों से सामान उसमें से गिरता नहीं है। और अब हमें क्या करना है, इस पर ना थोड़ा सा घी लगा देना है, और इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, और इसके ऊपर भी थोड़ा सा घी लगा देंगे, और इसको भी हमें फोल्ड करके इसका एक स्क्वायर तैयार करना है। तो वैसे तो आप इसको गोल भी बना सकते हो, पर ना स्क्वायर पराठा इस फ्रैंकी के लिए काफ़ी बेटर रहता है। तो अगर जैसे सुबह जल्दी होती है तो मैं क्या करती हूँ, जो स्टफिंग है ना बेसन वाली वो मैं पहले से बना के फ्रिज में रख देती हूँ, तो सुबह काफ़ी काम जल्दी हो जाता है। तो ये देखिए बेल लिया है, और बस अब हम इसको सेक लेंगे। और अब हमें इस पराठे को सेकना है, तो हम ना इस पराठे को एक साइड से पूरा 100% सेक लेंगे, और दूसरी साइड से हल्का सा इसको कच्चा रखेंगे। और इस पे दोनों साइड हमें ऑयल लगाना होगा जैसे हम नॉर्मल पराठे पे लगाते हैं। और ये देखिए इस साइड को मैंने पूरी तरह से सेक लिया है, तो बस अब हम इस पे ये जो बेसन का मिक्सचर हमने बनाया था ना उसको लगा देंगे। तो अच्छे से स्प्रेड करिएगा, और बहुत थिक लेयर नहीं लगानी है, पतली सी लेयर लगानी है, इसी से ये टेस्ट में अच्छा लगेगा और जल्दी पक भी जाएगा। और बस इसके ऊपर हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे जिससे ये अच्छे से सिक सके, और खाते समय ना थोड़ा मॉइस्ट रहे, ड्राई ड्राई सा ना लगे। और अब हम इसको पलट देंगे और अच्छे से दबा दबा के सेकेंगे जिससे जो बेसन है ना वो अंदर तक पूरी तरह से कुक हो जाए। आपने देखा हमने पराठा तो पहले से इस साइड से सेक रखा था, तो बस अब हमें बेसन को ही पकाना है। तो इसको सिकते हुए थोड़ा टाइम हो चुका है, हम इसको पलट लेंगे, और आप देख सकते हो ना थोड़े से अच्छे से सिक गया है, एकदम कच्चापन इसका ख़त्म हो गया है। तो हम पलट के थोड़ा सा दूसरी साइड से और सेक लेंगे। तो बिल्कुल तैयार है हमारा पराठा। हम ना इसको किसी जाली पे रख लेंगे जिससे कि ये नीचे से सौगी ना हो। और यहाँ देखिए हमारे पॉपकॉर्न्स बिल्कुल ठंडे हो गए हैं। चलिए फटाफट इनको कैरमलाइज करते हैं। तो यहाँ पर आप कोई भी पैन ले लें, कोशिश करके नॉनस्टिक पैन ले तो बेटर है, क्योंकि शक्कर अदरवाइज़ बहुत चिपकती है। यहाँ पर मैंने करीब आधा कप शक्कर ले ली है, और इसमें हम एकदम थोड़ा सा पानी डाल देंगे जिससे कि शक्कर अच्छे से मेल्ट हो सके। और हम ना
गैस की फ्लेम अभी मीडियम पे रखेंगे और शक्कर को मेल्ट हो जाने देंगे। तो क्योंकि आज हम बहुत सारे पॉपकॉर्न्स कैरमलाइज करने वाले हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर आधा कप शक्कर का इस्तेमाल किया है। अगर आप थोड़े से करें तो शक्कर की क्वांटिटी भी उसी हिसाब से रखें। तो बस अब हम ना इसको क्या करेंगे, लगातार चलाते रहेंगे और आप देखेंगे ना थोड़ी देर में शक्कर घुल गई है। और ये देखिए कैसी आपको दिख रही है ना, कैसी भुरभुरी हो गई है और फिर से क्रिस्टलाइज हो गई है। तो अब हमें क्या करना है, गैस की फ्लेम एकदम सिम पे करनी है और इसको लगातार चलाना है। और ये देखिए हमारी शक्कर ना दोबारा से पिघलना शुरू हो गई है। पर आपको ना इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि इसको नॉन स्टॉप चलाना है। जहाँ इसको छोड़ देंगे ना, ये शक्कर तुरंत जल जाएगी और काली हो जाएगी। तो आप चमचे से भी ना इस तरह से शक्कर को हटाते जाएं और साइड से भी शक्कर को निकालते जाएं, जिससे कि वो कहीं से भी ना जलने ना पाए। तो ये देखिए आप देख सकते हैं ना, हल्का हल्का सा इसमें कलर आ गया है। तो आपको यहाँ इस बात का ध्यान रखना है कि आप इसको ओवर कैरमलाइज्ड नहीं कर दें, नहीं तो क्या होगा ना, ये कड़वी हो जाएगी और खाने में अच्छे नहीं लगेंगे पॉपकॉर्न्स। बस जब आप देखें इस पर थोड़ा सा कलर अच्छे से आने लगा है, तो इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे एकदम थोड़ा सा बटर और इसको भी मिक्स करेंगे। और ये देखिए बस हमें इतना ही कैरमलाइज्ड कलर चाहिए। तो यहाँ मैंने गैस को ऑफ कर दिया है क्योंकि हमारा जो शुगर सिरप है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म है। इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे 1/8 teaspoon बेकिंग सोडा। और अब बेकिंग सोडा डालते ही देखेंगे ना इसमें कितने अच्छे से झाग उठ रहा है। इससे क्या होगा ना, शुगर सिरप की क्वांटिटी काफ़ी बढ़ जाएगी और हमारे पॉपकॉर्न्स इससे अच्छे से कोट हो जाएंगे। तो बस अब हम इसमें ये पॉपकॉर्न्स डाल देंगे और ना इनको फटाफट ऐसे कोट कर देंगे। तो आपको ना यहाँ पे बहुत ध्यान रखना है, ये जो कैरमल होता है ना बहुत ज़्यादा गर्म होता है, अगर ये स्किन पे लग जाएगा ना तो आप बहुत कसके जल जाओगे। तो आप क्या करो ना, इस तरह से 2 spatula ले लो और इसको आराम से मिक्स कर लो। तो आप देख सकते हो ना क्या बढ़िया कोटिंग हो गई है हमारे पॉपकॉर्न्स पे। और बस ये गरम गरम पॉपकॉर्न्स ना हमें एक ट्रे पे, जिस पे कि आप बटर पेपर लगा लो या थोड़ा सा ग्रीस कर लो, उस पे फैला देंगे। ये काम थोड़ा सा जल्दी करिएगा, नहीं तो क्या होता है ना पॉपकॉर्न आपस में सब चिपक जाते हैं। और बस हम इनको हल्का सा इस तरह से दबा के एक लेयर में फैला देंगे और इनको 10 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। तो 10 मिनट हो गए हैं और हमारे पॉपकॉर्न्स ठंडे हो गए हैं। तो बस हम क्या करेंगे ना, हाथों से इनको हल्का सा अलग अलग कर लेंगे। और शायद आप क्रिस्पनेस सुन पा रहे होंगे इसकी। मैं आपको फिर से वॉर्न करूँगी, जब कैरमल गर्म होता है ना आप उसको बिल्कुल भी टच नहीं करें, आप बहुत चल सकते हैं उससे। तो आइए फटाफट वीर के लिए डब्बा भी पैक कर देते हैं, जिससे कि वो और उसके दोस्त सब मिल के ना ये कैरमलाइज्ड पॉपकॉर्न खा सकें। आप मुझे बताइएगा कि आप अपने बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में जब वो पिकनिक पर जाते हैं या मूवी नाइट होती है स्कूल में, क्या पैक करके देते हो। तो मैं भी ट्राई करूँगी। और ये देखिए हमारा पराठा भी ठंडा हो गया है, तो हम इस पे लगा देंगे थोड़ा सा केचप, साथ में थोड़ा मेयोनीज़। इससे क्या होगा ना, पराठा जूसी रहता है। तो अगर आप चाहो तो इसमें हरी चटनी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और अब मैं इसके ऊपर ग्रेट कर दूंगी थोड़ा सा पनीर, तो पनीर से खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ चीज़। इसमें हम रख देंगे थोड़े से सलाद के पत्ते, अगर ये नहीं है तो आप पालक को भी अच्छे से धो के इस पे लगा सकते हो। इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे एकदम थोड़ा सा नमक और थोड़े से चिली फ्लेक्स और इसको अच्छे से फोल्ड कर देंगे। तो आपने देखा ना, हमने स्क्वायर पराठा बनाया था तो उसको फोल्ड करना कितना आसान है। और ना इससे क्या होता है ना, कुछ भी सामान बाहर नहीं आता है और बच्चे भी इसको आराम से पिक करके खा लेते हैं। तो बस आप इसको छोटे पीसेस में कर दें, चाहे आप इसको इस तरह से 2 piece में कर दें। और बस ये देखिए वीर का लंच बॉक्स भी बनकर बिल्कुल तैयार है, हमारे पॉपकॉर्न्स भी तैयार है और वीर का लंच बैग भी तैयार है। उसको लेट हो रहा है तो मैं फटाफट बस उसको छोड़ कर आती हूँ। तो आई होप आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया हो। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।